गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पे डार्क मोड इनेबल कैसे करें। बहुत बार ऐसा होता है कि नाइट में हम लोग अधिक बहुत से बहुत ज़्यादा ही फ़ोन को यूज करते हैं। इसमें होता है कि ब्राइटनेस काफ़ी होने के कारण हमारे आँख पर कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आप अपने एप्लीकेशन में डार्क मोड ऑन कैसे करें। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप में डार्क मोड इनेबल करके बता देता हूँ। तो आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको सेटिंग्स दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन। तो सिंपल से आपको चैट्स पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको थीम का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे, सिस्टम डिफॉल्ट, जो आप अपने फ़ोन में डिफॉल्ट जो थीम्स यूज कर रहे होंगे वही होगा। फिर लाइट, यहाँ पे ब्राइटनेस आप हाई कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के, और यहाँ पे डार्क मोड दिख रहा होगा। तो सिंपल से यहाँ आपको डार्क मोड पे टैप करेंगे तो आपका फ़ोन डार्क मोड में हो जाएगा। इससे फायदे ये होते हैं कि अगर आप नाइट में व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे तो आपके आईज़ पे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते। तो चलिए इसके बाद मैं आपको इंस्टाग्राम पे डार्क मोड इनेबल करके बता देता हूँ। इंस्टाग्राम को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे अपने प्रोफाइल की पिक्स दिख रही होगी, वहाँ पर टैप करनी है। टैप करने के बाद यहाँ ऊपर में आपको 3 लाइंस दिख रहे होंगे, उस पर टैप करनी है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे नीचे एकदम डाउन में देखेंगे तो आपको सेटिंग्स की ऑप्शंस आ रही होगी, तो सिंपल से सेटिंग्स पे क्लिक कर देनी है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो आपको थीम का नज़र आ जाएगा, तो सिंपल से यहाँ पे थीम पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फिर से आपके यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे, लाइट, डार्क, सिस्टम डिफॉल्ट। तो सिंपल से आप यहाँ डार्क मोड पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम भी नाइट मोड में इनेबल हो गया। तो दोस्तों अब बात आती है YouTube की। दोस्तों हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना ज़्यादा समय YouTube पे नाइट में मूवीज़, कॉमेडीज़, म्यूज़िक सुनने के लिए YouTube को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आप हाई ब्राइटनेस या फिर लो ब्राइटनेस करते हैं तो नाइट मोड में नहीं होती है, और सिस्टम डिफॉल्ट के कारण यहाँ पे आपको ब्राइटनेस हाई होने के कारण आपके आईज़ पे ज़्यादा आती है। तो ऐसा कभी आपको फील भी होता है कि हाँ आपका आँख दर्द होने लगा। तो ऐसा होता है कि अगर आप नाइट मोड इनेबल करेंगे तो मतलब बहुत ऐसे बहुत ही ना के बराबर ना साइड इफेक्ट आती है अपने आईज पे। तो चलिए सिंपल से आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ सिंपल से आपको अपने प्रोफाइल पर टैप कर लेनी है। टैप करने के बाद यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल डाउन नीचे आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही होगी, तो सेटिंग्स पे क्लिक करनी है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जनरल सेटिंग्स में क्लिक करनी है, सिर्फ जनरल पे टैप कर लेनी है। टैप करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, रिमाइंड मी टू के ब्रेक, रिमाइंड मी टू बेड टाइम, अपीयरेंस। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करनी है। अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको डार्क डिम पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब भी डार्क मोड में इनेबल हो चुका है। तो अब बात आती है फेसबुक की। हम सब में से ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फेसबुक को देते हैं। तो दोस्तों फेसबुक में अभी उस प्रकार के कुछ फीचर्स नहीं आए हैं जो सिंपली आप कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक लाइट में वैसे फीचर्स आ गए हैं। तो चलिए जो लोग फेसबुक लाइट यूज़ करते हैं वो इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों एक लाइक से आपका कुछ नहीं होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। इसे देख के हम मोटिवेट होते हैं ताकि हम यूट्यूब पर आगे काम करें। तो सिंपल से आपको अपने फेसबुक लाइट को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रही है, टैप करनी है। टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको डार्क मोड दिख रहा होगा, तो सिंपल से आप इसको इनेबल कर लेंगे। तो देखिए मेरा फेसबुक भी डार्क मोड में इनेबल हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।